हेलो दोस्तों, आज हम आर्ट केम का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3D ब्लेंड। ये आप इसका सिंबल देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसको सीखने से पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे मेरे को क्या समझाने में इजी रहेगा। एक मैं स्टार ड्रॉ कर देता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं अपन, कोई भी हम एक सिलेक्टेड वैक्टर ड्रॉ कर देते हैं। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्मूथ कर देता हूँ। तो जिस टाइप का वैक्टर बनाना है मेरे को, सपोज मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया ये वाला। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर क्या दे रखा है, पहला दे रखा है प्रोफाइल, सेकंड दे रखा है ब्लेंड टू, थर्ड दे रखा है हाइट, और फोर्थ दे रखा है कंबाइन मोड। इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर अपन को क्या दे रखा है कि आपको किसी टाइप का शेप बनाना है, जैसे लीनियर बनाना है, कॉन्वेक्स बनाना है, कॉनकेव बनाना है, स्मूथ बनाना है, और सिलेक्टेड वेक्टर। सिलेक्टेड वेक्टर के अंदर आप कोई भी शेप बनाओगे उसकी वो डिज़ाइन रेडी करके दे देगा। तो इसके अंदर हमें चार बेसिकली बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं। जो पांचवा दे रखा है उसके अंदर आप अनलिमिटेड वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं कोई भी डिज़ाइन के अंदर। सेकंड दे रखा है ब्लेंड टू, ब्लेंड आपको करना है, मतलब जो भी डिज़ाइन आपको रेडी करनी है वो सेंटर ऑफ द बॉर्डर करनी है, सिलेक्टेड पॉइंट विद कर्सर करनी है, इनर वेक्टर के एज में करनी है। मैं डिज़ाइन रेडी करूँगा तो इसका आपके बारे में तीन ऑप्शन है मेनली, तो यही इसी से हमारी क्या होगी, सारी डिज़ाइन रेडी होगी। थर्ड दे रखा है हाइट, कि आपको स्टार्ट हाइट चाहिए, इनर हाइट चाहिए, ये दो दे रखा है। और फोर्थ दे रखा है कंबाइन मोड। आपने मेरा किसी ने शेप एडिटर वाला लेक्चर नहीं देखा है या ट्यूटोरियल वाला, उसके अंदर मैंने कंबाइन मोड को समझा कर रखा है, आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। सबकी वर्किंग सबों में सेम ही है। कंबाइन मोड में आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, कंबाइन मोड का जो सारा वर्क है वो सेम ही है, चाहे तो शेप एडिटर में भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल में भी देख सकते हैं, शेप एडिटर में भी दे रखा है, एड सबट्रैक्ट मर्ज मर्ज लो रिप्लेस, सेम का सेम ट्यूटोरियल में भी दे रखा है, एड सबट्रैक्ट मर्ज मर्ज लो रिप्लेस, एंड सेम इसका अंदर 3D ब्लेंड में भी दे रखा है। आगे भी हम टॉपिक देखेंगे उसके अंदर ये सारा ऑप्शन दे रखा होगा। तो आप मेरा शेप एडिटर वाला या ट्यूटोरियल वाला लेक्चर देखिएगा, उसके अंदर सारा कंबाइन मोड आपको इस पर डिस्क्रिप्शन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 3D ब्लेंड। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, सेंटर टू द बॉर्डर। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ब्लेंड टू कर रहे हैं, वो सेंटर टू द बॉर्डर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट कर देता हूँ, ये अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। हाइट मतलब आपको बॉर्डर, बॉर्डर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो भी लाइन जा रही है वो एक तरह से मेरी स्टार्ट हाइट है। स्टार्ट हाइट मेरे को देनी है सपोज 10, तो देखिए स्टार्ट हाइट आ गई। आप इसको 30 कर देते हैं अपन, तो ये मेरी स्टार्ट हाइट दे रखी है। और इनर दे रखा है कि आपको जो अंदर से आपको रेडी करना है वो कैसा करना है, तो इसको मैं 50 दे देता हूँ, या इसको मैं 200 कर देता हूँ, तो समझाने में मेरे को इजी रहेगा। तो देखिए हाइट में क्या दे रखा था, बॉर्डर, और आपको दे रखा था सेकंड इनर। बॉर्डर में आपका क्या था, जो आपकी स्टार्ट हाइट है, और इनर हमें क्या दे रखा था, सपोज कि अंदर जो आपको ब्लेंड करना है, किसी भी चीज़ को ब्लेंड करना है तो आपको कितना रेडियस में करना है या कितना कैसे करना है, तो मैंने इसमें 200 mm में दिया है। अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तो ब्लेंड क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए ये सेंटर में क्या हो रखा है, जीरो हो रखा है। इसको मैंने 200 कर देता हूँ, तो ये 200 की हाइट का इसने ले लिया है, ब्लेंड कर दिया है। अभी आप अपन इस पर देखेंगे, इसके अंदर चंद दे रखे हैं प्रोफाइल के अंदर ऑप्शन, लीनियर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड स्मूथ। आप लीनियर में तो देख रहे हो लीनियर टाइप की डिज़ाइन रेडी करी है। अगर सेम का सेम अगर इसको अपन कॉन्वेक्स कर दे, तो इसने कॉन्वेक्स डिज़ाइन रेडी कर दी। ये देखिए लीनियर के अंदर लीनियर डिजाइन रेडी करी थी। कॉनकेव करते हैं अपन, तो कॉनकेव टाइप की डिजाइन रेडी करी है। और फोर्थ है अपना स्मूथ, स्मूथ के बेस पर डिजाइन रेडी कर दी। अगर आप इसकी हाइट कम करते जाएंगे, सपोज मैं इसको 100 ले लूं, तो हाइट कम हो जाएगी अपनी। हाइट आप बढ़ाएंगे, इनर को आप ये समझ सकते हैं हाइट है, बॉर्डर को आप ये समझ सकते हैं अपनी स्टार्ट हाइट है, और इनर को आप समझ सकते हैं इसकी स्टार्ट हाइट के बाद जो भी अपन आपने शेप एडिटर वाला लेक्चर देखा होगा। इसे एक स्टार्ट हाइट देते हैं, एक नॉर्मल हाइट देते हैं, तो ये अपनी नॉर्मल हाइट है। इसको मैं कितना कर देता हूँ, 50 कर देते हैं अपन। टोटल ये कितने का होगा, 50 + 30 = 80 के आसपास स्टार्ट हाइट ये जा रही है, फिर 30 का। इसको हम बढ़ा देते हैं तो समझाने में ईजी रहेगा। 300 कर दिया मैंने, देखिए ये डिज़ाइन रेडी हो रही है। नेक्स्ट अपन को दे रखा है सिलेक्टेड वेक्टर।
इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर, तो मैं इसका क्या करता हूँ, टॉगल वेक्टर को विजिबल करता हूँ सिलेक्टेड वेक्टर को, और प्लस इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ साथ में, इसको हम 200 कर देते हैं। तो आप देखिए डिज़ाइन कैसी रेडी हो गई है। ओके सॉरी, स्मूथ पर सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए डिज़ाइन जिस टाइप का मैंने वेक्टर सिलेक्ट कर रखा है उस टाइप की डिज़ाइन इसने रेडी कर दी है। आप जैसा वेक्टर लेंगे उस टाइप की डिज़ाइन रेडी कर देगा ये। अपन ने इस टाइप का वेक्टर ले रखा है, इस टाइप की डिज़ाइन रेडी कर दी है। अगर आप वेक्टर को चेंज करते हैं तो दूसरी डिज़ाइन रेडी कर देगा। वेक्टर को अपन चेंज करते हैं, जैसे वेक्टर में चेंजेस करते हैं तो डिज़ाइन में भी चेंजेस होने लग जाएंगे। देखिए डिज़ाइन में चेंजेस हो रहे हैं, देखिए डिज़ाइन में चेंजेस हो गए। आप हाइट कम करोगे तो हाइट कम हो जाएगी। आप से स्टार्ट हाइट लेना चाहते हो तो आप बॉर्डर को जीरो कर, बॉर्डर को रखिए, इनर को जीरो कर दीजिए। देखिए उसने इनर क्या कर दिया, जीरो कर दिया, बाकी इसने स्टार्ट हाइट दे रखी है। स्टार्ट हाइट से जो डिजाइन रेडी हो रही है उसने अपने डिजाइन रेडी कर रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है सिलेक्टेड पॉइंट विद अ कर्सर। अगर मैं इसको 200 कर दूं और इसमें मैं क्या कर देता हूं, स्मूथ ले लेता हूं, इसको हम कॉन्वेक्स कर देते हैं। देखिए कॉन्वेक्स डिजाइन है, इसको मैं क्या करता हूं, सिलेक्टेड पॉइंट विद अ कर्सर। अभी क्या होगा, एक कर्सर आ जाएगा, देखिए व्हाइट कलर का कर्सर आ गया। अगर इस कर्सर को मैं चेंज करूं तो जिसका सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होता जाएगा। सेंटर ऑफ मास का भी कहां पर है, इधर मिडल में दे रखा है, इसको मैं चेंज करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। देखिए पहले इसका जो सेंटर था वो मिडल में बनना था, अभी इसका सेंटर कहीं और बन रहा है। देखिए इसको अपन और चेंज करते हैं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ चला जाएगा। आप जहाँ सेंटर ऑफ मास को रखेंगे वो सेंटर ऑफ मास सिलेक्टेड वहाँ पर चला जाएगा। सेंटर में रखेंगे, देखिए सेंटर में डिज़ाइन रेडी कर दिए। आप इसको कॉन्वेक्स में ट्राई करेंगे कॉन्वेक्स के संग होगा, कॉनकेव में ट्राई करेंगे तो कॉनकेव के साथ भी होगा, ये सेम का सेम। देखिए चेंज हो रहा है। इसकी आप पोजीशन भी दे रखी है, आपके पास मैनुअल है, आपके पास पॉइंट है, डिजिट है, तो आप डिजिट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसको 20-20 कर देता हूँ, एक्स से 20 और वाई से 20, तो उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये 20-20 सेट हो गया। ये देखिए जीरो यहाँ पर था, अब ये 20-20 यहाँ चला गया। आप इस पर चेंज भी कर सकते हैं, 50-50 और 100। एक्स हम 50 ले लेते हैं, वाई हम 100 ले लेते हैं, तो ऊपर मतलब ये थोड़ा आगे गया फिर ऊपर चला गया 100 सेंटर से। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इनर वेक्टर एज, इसको भी अपन देख लेते हैं। इसको हम सेंटर ऑफ द बॉर्डर वेक्टर कर देते हैं अभी, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब आपको थर्ड वाले के क्या है, इनर वेक्टर एज के लिए आपको एक इनर वेक्टर को सिलेक्टेड करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर क्या था, सिलेक्टेड वेक्टर के अंदर आपको शिफ्ट के थ्रू मैंने इसको सिलेक्ट किया था वेक्टर को, अभी क्या करना है, इनर वेक्टर एज को सिलेक्ट करना है। तो इसको हम शिफ्ट दबा देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, इनर वेक्टर एज। तो देखिए एज के थ्रू इसने क्या कर दिया, सेंटर पॉइंट को क्या कर दिया, उसने उठा दिया। अगर इसमें हाइट आप बढ़ाते जाएंगे तो ये उठता जाएगा। 300 किया तो देखिए 300 हो गया। आप मेरा माउस का कर्सर देख सकते हैं, इसमें जेड दिखा रहा है 300। जितना आप हाइट को मतलब इसके अंदर इनर को बढ़ाएंगे उसकी उतनी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम अपन 150 कर देते हैं, देखिए 150 के अकॉर्डिंग हो गया। अभी इसके अंदर क्या देखा है, फिल इनर वेक्टर, अभी ये क्या था, फिल है अंदर। अगर हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये कर देगा, एम्प्टी कर देगा इसको। तो देखिए ये एम्प्टी हो गया, इनर वेक्टर को इसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। 300 की हाइट बढ़ाई, उसके अंदर जो भी हमारा इनर वेक्टर सिलेक्टेड होगा, जैसा भी सिलेक्टेड होगा, उसको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। देखिए जीरो है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा वापस। अब नेक्स्ट हमें देख रहा है प्रोपोर्शनल।
ये हमारा क्या हो रहा है, 100% हो रखा है। जैसे ही अपन इसको जीरो करेंगे तो जो हमारी स्टार्ट हाइट है ना, ये प्रोपोर्शनल, जैसे कि ये स्टार है, स्टार को क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। देखिए एक तरह से स्टार्ट हाइट बना देगा ये पूरे ऑब्जेक्ट को, अगर अपन जीरो कर देते हैं तो। देखिए तो पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, स्टार्ट हाइट बना दिए। अगर हम प्रोपोर्शनल इंक्रीज करते जाए उस हिसाब से ये वर्क करेगा। अपन ने जीरो कर दिया दोस्तों, हमारा जैसा था सर्कल था, सर्कल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया उसने। बॉर्डर को आप अगर 100 रखोगे तो हमारी स्टार्ट हाइट को इंक्रीज कर देगा ये। आज अपन ने इसमें क्या देखा, प्रोफाइल देखा। प्रोफाइल के अंदर हमने लीनियर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्मूथ, सिलेक्टेड वेक्टर, इसके अंदर आप अनलिमिटेड वेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन था अपना ब्लेंड टू, ब्लेंड टू में आप सेंटर लेंगे, सेंटर ऑफ द बॉर्डर, जो कि सारा वर्क करेगा सेंटर ऑफ द बॉर्डर से। सिलेक्टेड पॉइंट विद द कर्सर, कर्सर आ जाएगा, आप उसको चेंज करोगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। इनर वेक्टर ऑफ एज, कोई भी अंदर इसके अंदर एक वेक्टर होगा इनर में, आप उसको सिलेक्टेड करेंगे, आपको फिल करना है या उसको अनफिल करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन को हाइट, हाइट के अंदर आपको इनर दे रखा है और बॉर्डर दे रखा है। बॉर्डर आप ऐसे समझ सकते हैं स्टार्ट हाइट, इनर आप ऐसे समझ सकते हैं जो नॉर्मल हाइट है अपनी। और नेक्स्ट अपन इनको दे रखा है कंबाइंड मोड, कंबाइंड मोड में आपको ऐड करना है, कोई ऑब्जेक्ट ओवरलैप करा तो ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट करना है तो डाउन कीजिए। अब अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करूँ तो डाउन हो जाएगा ये मेरा, देखिए डाउन हो गया। अगर हम इसका सरफेस देखें तो देखिए सरफेस है, सरफेस के नीचे आ गया। मर्ज करना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहे हैं दोनों को मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं, मर्ज लो, मर्ज एंड मर्ज हाई, रिप्लेस। अगर ये किसी ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है शेप एडिटर वाला या टू रेल वाला, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें मैंने सारा समझा कर रखा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।